Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. If you're new here, I am Rida. मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्राइडल मेकअप और मेरी मॉडल है न्यू टीवी एक्ट्रेस कोनेन फातिमा. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. स्टार्ट में मैं ब्राउज को फिल करूंगी ब्राउ पोमेट की हेल्प से. ये है एले गर्ल का ब्राउ पोमेट इन शेड चॉकलेट. इनकी ब्राउज आप देख सकते हैं, मैं इनको अच्छे से फिल कर रही हूँ. इनकी ब्राउज थिन है तो मैं थिक कर रही हूँ, क्योंकि थिन ब्राउज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ. ब्राउज के स्टार्ट से प्रोडक्ट कम लगाना है, वरना बहुत ही बुरा लगेगा. सारा प्रोडक्ट आपने पूरी ब्राउज पर लगाना है, स्टार्ट में थोड़ा सा कम लगाना है, इससे ब्राउज बिल्कुल नेचुरल लगती हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर, जिसका शेड है आइवरी 6. मैं अपने ब्राउज के बॉर्डर को इसके साथ अच्छे से क्लीन अप करूँगी, जिससे ब्राउज बहुत ही शार्प लगेंगी और क्लीन लुक आएगा. ब्राउज को नीट करने के लिए हमेशा लाइट कलर का कंसीलर यूज़ करना चाहिए, जिससे ब्राउज शार्प लगती हैं और क्लीन लुक आता है. अगर मैं यहाँ पर डार्क कंसीलर अप्लाई करती तो इतना क्लीन लुक ना आता. और मैं पूरी लिड पर भी यही कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और ये कंसीलर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फ़ौरन से ड्राई नहीं होता और बहुत ही सॉफ्टली ये ब्लेंड हो जाता है, फ़ौरन से ड्राई नहीं होता. इसकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे. और मेरे पास ही शेड एवरेज 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला शेड है. इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेजोना लूज पाउडर, जिसका शेड है F6. इस लूज पाउडर की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है. पूरी लिड को मैं इसके साथ अच्छे से सेट कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो. आई शेडोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्लैमरस फेस मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट. इसमें से ये लाइट शेड उठाकर मैं क्रीज लाइन को डिफाइन करूंगी. क्रीज लाइन पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड भी कर रही हूँ. फ्लफी ब्रश लेकर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ. स्टार्ट हमेशा लाइट शेड के साथ करना है, अपने वार्म शेड के साथ करना है, उसके बाद डार्क की तरफ जाना है. अब मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन रीलोडेड वेलवेट रोज पैलेट. इसमें से ये डार्क शेड उठाकर मैं अपने आउटर कॉर्नर को डेप्थ दे रही हूँ. इससे आई शेडो लुक बहुत ही अच्छा आएगा. मैं इसको ज़्यादा क्रीज की तरफ नहीं लेकर जाऊँगी, मुझे इतना ज़्यादा ये क्रीज की तरफ नहीं चाहिए था. बस मैं इस तरह से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि दोनों शेड्स बिल्कुल आपस में ब्लेंडेबल लगें, बिल्कुल मर्ज लगें, अलग अलग से नज़र ना आए. अब मैं ग्लैमरस फेस के आई शेडो पैलेट से यूज़ कर रही हूँ ये शिमरी शेड, और इसको पूरी आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ. फिंगर की हेल्प से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन आएगी, ब्रश की हेल्प से इनकी पिगमेंटेशन अच्छी नहीं आती. और मेन पॉइंट, आप लोगों ने ब्लेंडिंग पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है. अगर ब्लेंडिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो आई शेडो लुक बहुत ही बुरा लगेगा. शिमरी शेड लगाने के बाद मैंने फिर से ब्लेंडिंग की है, ताकि कोई भी शिमरी शेड की लाइन्स नज़र ना आए. मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट इन वाइल्ड प्रेशियस पेटल्स हाइलाइटर. इससे मैं ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ, और आपने हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर देना है. कुछ गर्ल्स हाइलाइटर के लिए ब्रश को गीला करती हैं और हाइलाइटर लगाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक लाइन सी नज़र आती है, जो कि बहुत ही बुरी लग रही होती है. आपने आई शेडो के साथ इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ताकि आई शेडो और हाइलाइटर अलग अलग से नज़र ना आए, बिल्कुल ब्लेंडिंग लुक आए. वाटर लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्नो वाइट पेंसिल DMGM. अब इसका सीन क्या है, आप लोगों ने एक ही मरतबा इसको अच्छे से लगा लेना है, इसके बाद ये ड्राई होगी. इसके बाद आप लोगों ने ऊपर से इसको नहीं फेरना, उससे क्या होगा, ये छोटे छोटे पीसेस होंगे और गिरने लगेंगे. जैसे मैंने बताया, आपने एक ही मरतबा यूज़ किया तो उसके बाद ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे, वाटर प्रूफ है ये पेंसिल. सेम हाइलाइटर प्रेशियस पेटल्स में इनर कॉर्नर पर यूज़ कर रही हूँ, ताकि शेडो लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लगे. अब लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोकल शॉप की लैशेस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इस लुक के लिए. नंबर है इनका 5D, और इनको स्वीट टच के ग्लू के साथ मैंने अप्लाई किया है. इट्स टाइम टू स्किन प्रेपिंग, सो मैं यूज़ कर रही हूँ एलिसिन ब्यूटी के 2 ब्यूटी सीरम्स. स्टार्ट में यूज़ करूँगी एलिसिन ब्यूटी लग्जरियस ब्यूटी ऑयल, जो कि स्किन को अच्छे से प्रेप कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा. विंटर्स के लिए बेस्ट ऑयल है ये, ड्राई स्किन वालों के लिए है, बट विंटर्स हैं तो कॉम्बिनेशन 2 ऑयली स्किन वाले इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन को करना है मॉइस्चराइज एंड प्रेप, ताकि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ड्यूई फिनिश आए, ड्राई ना लगे फाउंडेशन, क्योंकि विंटर्स हैं तो बहुत ही बुरा लगेगा ड्राई फाउंडेशन. इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा. सिरम अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना, मैंने वेट किया है, ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, पेनिट्रेट हो सके. और मैं यूज़ कर रही हूँ उशास का ग्लिटर्स, जो कि है वाटरप्रूफ. मैं इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर की तरफ लगा रही हूँ. ग्लिटर्स अप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट सिरम था वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ
मेकअप प्राइमर ग्लो सीरम और मैं इसको पूरी स्किन पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये वाटर बेस्ड सीरम है, बहुत ही लाइट वेट है। ये है एलाजिम ब्यूटी के सैम्पल साइज सीरम्स और अगर आप लोगों को इनके सीरम्स मंगवाने हैं तो पहले आप सैंपल साइज मंगवाइए, अपनी स्किन पर यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन पर सूट करे, उसके बाद आप इनके बड़े साइज़ के सीरम्स ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मुझे इनका लग्जरियस ब्यूटी ऑयल जो कि मैंने स्टार्ट में यूज़ किया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो स्किन को अच्छे से प्रेप कर रहा था, मॉइस्चराइज कर रहा था, विंटर के हिसाब से वो सीरम अच्छा लगा मुझे। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो सेकंड सीरम यूज़ करें जो कि है प्राइमर सीरम। डार्क एरियाज पिगमेंटेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर क्रिस्टीन का। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 500 to 600 में आप लोगों को मिल जाता है और ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने से आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं लगता। जो भी डार्क एरियाज हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑरेंज करेक्टर। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एलाजिम ब्यूटी का फाउंडेशन जिसका शेड है नेचुरल मीडियम टू फुल कवरेज है और इसके अलावा ये फाउंडेशन है टोटली मैट। अगर आप लोगों को विंटर में अप्लाई करना है तो स्किन को प्रेप करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, इनके सीरम अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता और ये शेड बहुत ही लाइट है इनकी स्किन के हिसाब से। लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, इस वजह से मैंने लाइट शेड अप्लाई किया है ताकि ऑक्सीडाइज होकर इनकी स्किन से बिल्कुल मैच कर जाए स्किन टोन से। अगर मैं इनकी स्किन टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन अप्लाई करती तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क लगने लगती। और अगर आप लोगों को भी फाउंडेशन बाय करना है तो अपनी स्किन टोन से 2 tones लाइट लें ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो फाउंडेशन आपकी स्किन से मैच कर जाए। पिंक पीच के कबूकी ब्रश के साथ मैं फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ, पूरी स्किन पर मैं इसको फैला रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कवरेज बहुत ही अच्छी आ रही है। फाउंडेशन को स्मूथ आउट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ द विशबॉक्स का ब्यूटी ब्लेंडर। डैम करने के बाद इसका साइज बढ़ चुका है और ये अफोर्डेबल प्राइस का ब्यूटी ब्लेंडर है और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जो भी अफोर्डेबल प्राइस के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनका वर्क अच्छा नहीं होता, स्मूथ भी नहीं होते। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही अच्छे से इसने फाउंडेशन को स्मूथ आउट कर लिया। और आपने क्या करना है, इस तरह से टैपिंग करनी है फाउंडेशन की ब्लेंडर की हेल्प से ताकि फाउंडेशन स्किन में एब्जॉर्ब हो सके और लॉन्ग लास्टिंग बने, कोई लाइंस ना आए, बिल्कुल स्मूथ लगे आपका फाउंडेशन। और इस ब्यूटी ब्लेंडर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही सेम कंसीलर मिस रोज आइवरी 6 में। और फेस को इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि फीचर्स बहुत ही खूबसूरत लगें। हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो सारे फीचर्स छुप जाते हैं और फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए हम हाईलाइट करते हैं, ब्राउन्स करते हैं, कंटोरिंग करते हैं और फीचर्स और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। फेस शेप के अकॉर्डिंग भी हाईलाइट किया जाता है, पर इनका फेस ज़्यादा लंबा नहीं है, राउंड नहीं है, तो इस तरह से मैंने हाईलाइट किया, फेस ज़्यादा उभरा हुआ ना लगे, गोल मटोल ना लगे और लंबा ना लगे, इस वजह से हाईलाइट और कंटूरिंग की जाती है। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन रोज का ब्यूटी ब्लेंडर और कंसीलर को आपने टैप करके ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आपने रगड़ना नहीं है क्योंकि आपने फाउंडेशन भी अप्लाई किया हुआ है तो फाउंडेशन आपका ख़राब हो सकता है। कंसीलर की हेल्प से जो भी डार्क एरियाज से अच्छे से छुप चुके हैं और हाईलाइट हो चुका है फेस, पूरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पाउडर क्लेजोना। अब मैं इसके साथ पूरे फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ, इस तरह से टैप करके मैं सेट कर रही हूँ अंडर आइज को, क्योंकि मुझे फाउंडेशन बहुत ही स्मूथ चाहिए है, यहाँ पर ये फाउंडेशन थोड़ा सा डोई हो रहा है, इस वजह से मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मैट हो रहा है, आपका फेस ड्राई हो रहा है, तो आप डायरेक्टली ब्रश की हेल्प से भी पाउडर अप्लाई कर सकते हो। पूरे फेस को मैंने इस तरह टैप करके सेट किया है, इसके बाद इस फ्लफी पाउडर ब्रश की हेल्प से जो भी एक्सेस पाउडर है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब आते हैं फेस कंटोरिंग की तरफ, तो फेस कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन फेस कंटोरिंग, इसमें से ये ब्राउन शेड लेकर मैं पूरे फेस को इसके साथ कंटोर करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, अगर आप लोगों को आप लोगों की चीक्स की दोनों लाइंस एक बराबर नहीं बनती, मतलब एक नीचे हो जाती है ऊपर हो जाती है, तो आपने फेस को इस तरह की शेप में लाना है, उसके बाद आपकी जो लाइंस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, बस उसी उन्हीं लाइंस पर आपने कंटोरिंग करनी है, तो दोनों तरफ की लाइंस बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। उसके बाद आपने कंटोरिंग को अच्छे से ब्लेंड भी कर देना है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा बड़ा ब्रश, फ्लफी ब्रश लेकर उसके साथ कंटोरिंग को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं नोज़ की कंटोरिंग कर रही हूँ और नोज़ की कंटोरिंग को भी आपने जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर देना है, वरना एक लाइन सी नज़र आएगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का ब्लश पैलेट, इसमें से ये लाइट पिंक शेड लेकर एपल ऑफ चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ और इसको कंटोरिंग के साथ ब्लेंड कर देना है ताकि ब्लेंडेड लुक आए, ब्लश और कंटोरिंग अलग से नज़र ना आए। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड
प्रीशियस पेटल्स हाइलाइटर एशियन स्किन के लिए बेस्ट शेड है। और ब्रश में यूज़ कर रही हूँ द विशबॉक्स का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश है। आप इस ब्रश को यूज़ कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। इस ब्रश से आप इजीली हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो और आपकी हाइलाइटर की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं हाइलाइटर की एप्लीकेशन कितनी मज़े से हो रही है इस ब्रश से। और ये ब्रश थोड़ा सा फ्लफ़ी है और जिस तरह की ब्रश की नीड होती है हाइलाइटर लगाने के लिए वो ये सेम ऐसा ही है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको हाइलाइटर के लिए इससे अच्छा ब्रश अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिल सकता। सो गर्ल्स ट्राई दिस वन, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो गर्ल्स इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। और अगर आप लोगों को मेकअप से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो मुझसे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी सबको रिप्लाई किया है और मैं आपकी कम्प्लीटली हेल्प करूंगी। आपको किसी चीज़ में भी मसला हो रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अपनी लिप्स को मैं लाइन कर रही हूँ इस तरह से, किसी भी पेंसिल से आप लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिवाज यूके की पेंसिल से लिप को लाइन कर रही हूँ जिससे एक शेप आ जाएगा। आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो लिप्स की शेप बिल्कुल गायब हो जाती है, फिर आपने खुद से लिप्स क्रिएट करने होते हैं। आप उनको किस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर छोटे लिप्स हैं तो उनको बढ़ा भी सकते हैं, बड़े हैं तो उनको छोटा कर सकते हैं। और मैं उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ कॉस्मिक गर्ल्स की, और इसका नंबर मैं मेंशन कर दूंगी। ये भी अफोर्डेबल प्राइस में लिपस्टिक है। आप लिप पेंसिल यूज़ करते हो उसके बाद लिपस्टिक यूज़ करते हो तो आपकी लिपस्टिक जो है ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। आई लुक कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश पर ये ब्राउन शेड, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। इससे आंखें बड़ी लगती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। और इसके बाद मैं काजल यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का। ये वाटरप्रूफ है लेकिन विंटर्स में थोड़ा ड्राई हो जाता है तो मैं ये आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। ये मैं आउटर कॉर्नर की तरफ ही यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है वाटर लाइन के पास। उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ बॉब का, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और वाटरप्रूफ है। आप मस्कारा फॉल्सीज़ लगाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फॉल्सीज़ और ओरिजिनल लैशेस को कनेक्ट करना है आपस में ताकि वो अलग अलग से नज़र ना आए, जिससे बहुत ही बुरा सा लुक आता है। इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर भी यही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक फौरन से पहुंचती जाएं। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।